वेलकम टू धन यूट्यूब। तो आज हम अपना सिक्स्थ सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि फंक्शंस के ऊपर है। आज हम कुछ और एडिशनल फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो आप लोगों के काम में काफ़ी बार आते रहेंगे। इन फंक्शंस को आप डायरेक्टली अपनी कोड स्ट्रैटेजीज में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत एसेंशियल फंक्शंस रहते हैं ये और टाइम टू टाइम ट्रेडर्स को लगते रहते हैं ये वाले फंक्शंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अपना कोड टर्मिनल खोल रखा है। इस पर कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमारे को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, दैट API स्क्रिप्ट मास्टर करके एक फ़ाइल हमारे को डाउनलोड करनी पड़ती है जब हम धन की APIs यूज़ कर रहे हैं। एक बार मैं आपको शो करता हूँ। आपको इस वाले वेबसाइट लिंक पर आना है, dhanhq.co/docs/v1। ये डॉक्स अपडेटेड होते रहेंगे तो प्लीज़ आप अपने आप को अपडेटेड रखिएगा। अभी मैं V1 का शो कर रहा हूँ जिसमें ये डॉक्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको ये सब दिख रहा है, इसमें जो लास्ट में सिक्योरिटी ID लिस्ट है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी API स्क्रिप्ट मास्टर करके। इसको आपको अपने कोड डायरेक्टरी में लेकर जाना है। एक बार फिर से, आपका जो कोड का फोल्डर बना हुआ है जिसमें आप अपने बाकी कोड लिख रहे हैं, उस वाले फोल्डर में लेकर जाना है। नहीं तो आप जहां पर भी ये डाउनलोड हुई है उसका पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार कोड में देख लेते हैं हम इसको कोड में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे कि मैंने API स्क्रिप्ट मास्टर की फ़ाइल इसी फोल्डर में यहां पे ला रखी है। इस API फोल्डर की फ़ाइल को जब मैं देखता हूं तो आप देखते हैं कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। BSC में अगर आपको USD INR जाना है, जो कि करेंसी ट्रेडिंग रहता है, या फिर आप अगर इसको नीचे करेंगे, काफ़ी बड़ी फाइल है ये, 80-90 MB तक की रहती है ये। इसके अंदर 236,238 रोज आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपके NSE के इक्विटी, NSE का फ्यूचर ऑप्शन, NSE के आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, MCX के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड इसके अलावा भी BSE के सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब इतनी बड़ी फाइल है, अराउंड मोर देन 2 लाख लाइन्स, तो आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो उनके लिए ही हम लोगों ने ये फंक्शंस की फ़ाइल बना रखी है, ताकि आपको पूरी फाइल बार बार जाके रीड ना करनी पड़े। आप एक बार उसको रीड करके पांडास के डेटा फ्रेम में आप स्टोर कर लेंगे। ये पांडास का डेटा फ्रेम वही है जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस करा था, दैट पाइथन के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार अपने साइड से रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम इस पर वापस आते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क जो होता है, जो हम लोगों ने कल की वीडियो में भी देखा था, लास्ट वीडियो में भी देखा था, दैट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब हम ये धन HQ वाले फाइल पर आ रहे हैं, इसमें जब हम प्लेस ऑर्डर करते हैं तो हम सिंबल का नाम नहीं देते हैं, हम सिक्योरिटी की ID देते हैं। अब 2 लाख लाइंस की फाइल में सिक्योरिटी ID ढूंढना इज़ लाइक घास में तिनका ढूंढना। तो ये काम हम पाइथन से ऑटोमेट करवाएंगे। देखते हैं, हमने एक फंक्शन बना रखा है गेट इंस्ट्रूमेंट टोकन। इस फंक्शन का पूरा यूटिलाइजेशन यही है कि ये फाइल को रीड करेगा, एंड फाइल को रीड करने के बाद आपके लिए एक ट्रेडिंग सिंबल, और आपके जिस एक्सचेंज में वो ट्रेडिंग सिंबल है उस एक्सचेंज से आपके लिए सारा डेटा ले आएगा। मैं बाकी सारी चीज़ों को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं आपको ये चला के एक बार दिखाता हूँ कि ये कैसा रहता है। प्रिंट टोकन डिक्शनरी, और मैंने इसको कमेंट कर दिया। मैं इसको ऊपर वाले बटन से ही प्ले कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक वार्निंग आई है, ये काफ़ी इंस्टॉलर्स में आती है, काफ़ी में नहीं आती है, आप वार्निंग को अवॉइड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इतनी तेज स्पीड में ये अचानक से सारी चीज़ें लोड करने लगा। अब हमें तो कुछ समझ में आ रहा नहीं है, और ये रुकेगा भी तब तक नहीं जब तक आपकी 2 लाख लाइंस लोड नहीं हो जाती। इसलिए मैंने एक सिंबल ले रखा था, लेकिन मैं आपको पहले समझाता हूँ। आप देखिए, इसके अंदर सारे के सारे सेगमेंट आपके इस तरीके से आ गए हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी नहीं दिख रहे हैं आपको, अभी मैं कुछ करके दिखाता हूँ, फिर आपको दिखेगा। देखिए, अब हमारे को सिर्फ रिलायंस का डेटा चाहिए। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं, ये लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि रोज बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए, रिलायंस के अंदर आपको BSE और NSE का सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक BSE है आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका BSE की फाइल डेटा है, और यहाँ से यहाँ तक का आपका NSE का डेटा है।
अब आपको अगर इसमें से कोई एक भी चाहिए, आप आराम से इसके अंदर एक कॉलम और बढ़ाकर उसका डेटा ले सकते हैं बीएससी। ये कुछ टाइम लेगा जितनी बार आप चलाएंगे। देखिए अब ये बीएससी का आपका सारा का सारा डेटा यहां पे आ चुका है। इस डेटा के अंदर अब आपका ये एक मेजर डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, दैट अगर अर्चित इतना सारा डेटा है इसमें से भी हमारे को तो सिर्फ आईडी चाहिए थी, आपने इतना डेटा क्यों ले रखा है। इस डेटा को लेने के दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि आप आईडी के अलावा बाकी चीज़ें भी एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं, आपको उनके लिए अलग अलग फंक्शंस नहीं बनाने होंगे। आपको डायरेक्टली जो चीज़ चाहिए आप बस यहाँ पे लिख दीजिए और आपकी वो चीज़ आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे को आईडी चाहिए जो कि है SMST सिक्योरिटी आईडी, ये देखिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर मेरे को सिर्फ ये आईडी भी प्रिंट करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आईडी आ रही थी, इसने सिर्फ और सिर्फ एक आईडी प्रिंट करी है, इसके अलावा इसने कुछ और प्रिंट नहीं करा। ऐसे ही आपको जो भी और चीज़ चाहिए वो आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट यूज़ केस रहता है वो रहता है आपका लॉट साइज़। अभी तो हमने इक्विटी सिंबल देखा है, लेकिन जब भी हम फिन निफ्टी, निफ्टी कोई भी इंडेक्स को लेकर जाते हैं ये उस इंडेक्स का लॉट साइज़ बता देता है, जो कि आप डायरेक्टली अपने कोड में क्वांटिटी मल्टीप्लायर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार लॉट साइज़ चेंज होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का तो खुद से डालने की ज़रूरत नहीं है। इस फाइल से आपका सारा का सारा डेटा वहाँ पर कम्प्लीट आ जाता है। आप चाहें तो कुछ चीज़ें इसमें से कम कर सकते हैं, ऊपर फंक्शन आपका है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक दूसरा फंक्शन और है जो कि काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करता है, सिंबल का नाम। अब आपने ऊपर टोकन डिक्शनरी तो बना ली, अब आपको रिलायंस ही नहीं चाहिए, आपको कुछ और भी चाहिए, आपको डायनेमिकली कोड के अंदर कुछ और चेंज करना है, तो आप उसके लिए एक सिंबल नेम का फंक्शन बनाएंगे। और उस सिंबल नेम के फंक्शन में आप बेसिकली ये 4 से 5 चीज़ें आप अपना कोड को दे देंगे। ये चीज़ डायनामिक भी दे सकते हैं आप और ये मैनुअल भी दे सकते हैं। जैसे मुझे फिन निफ्टी का दिसंबर 2023 का पुट ऑप्शन चाहिए 21,750 की स्ट्राइक का। अब आप देखिए जब मैं जो है इस वाले इंस्ट्रूमेंट नेम को मैं प्रिंट करता हूँ, आप देखिए ये इंस्ट्रूमेंट नेम, जब आप उस फाइल को रीड करेंगे API स्क्रिप्ट मास्टर को, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट नेम है ये आपका एग्जैक्टली उसी फाइल के हिसाब से आपका प्रिंट हो जाएगा। ये 2 सेकेंड लेगा, देखिए यहाँ पे फिन निफ्टी December 21, 750 P। अब इसका मेन यूज़ केस क्या है, हम ये वाला फंक्शन और हमारा ऊपर वाला फंक्शन दोनों को कंबाइन करके इस सिंबल की सारी डिटेल्स जान सकते हैं। अगर मैं सारी डिटेल जानना चाहूँगा तो मैं टोकन डिक्शनरी के अंदर, जैसे मैंने ऊपर रिलायंस दिया था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये इंस्ट्रूमेंट वाला वेरिएबल दे सकता हूँ। देखिए तो आप देख सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की सारी डिटेल्स आ गई, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ NSE पर लिस्टेड है तो इसलिए NSE की सारी डिटेल्स आई। अब लेट से हमारे को NSE के अंदर इसके अंदर लॉट साइजेस भी चाहिए, तो हम ऐसा कुछ करेंगे टोकन डिक्शनरी में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स देंगे, फिर NSE देंगे और फिर लॉट साइजेस देंगे। जब हम ऐसा करते हैं तब आप एक और चीज़ प्रिंट करवा लेते हैं हाथ की हाथ, इसका सिक्योरिटी आईडी। दो चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी तो हमारे को एक बेटर आइडिया लग जाएगा। मैं ऊपर से रन कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर ये 40 लॉट दिखा रहा है हमारे को, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट आईडी दिखा रहा है ये 38819 दिखा रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट आईडी से आप इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड ये लॉट साइज़ का आप यूज़ करके क्वांटिटी आप बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये फंक्शंस, ये दोनों के दोनों फंक्शंस काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। इसकी कोड की फाइल आपको या तो कमेंट बॉक्स में या डिस्कशन के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप community.dhan.co पे आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम में से कोई आपको वहाँ पे आपके डाउट्स का रेजोल्यूशन करवा दे। थैंक यू, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।